वकील साहब ये बताएं पूरा क्या मामला, क्या आदेश दिया है कोर्ट ने इसको लेकर? ये वर्ष 2007 से 10 तक का जो असेसमेंट एंड टू एंड बोर्ड के द्वारा किया गया था, उसके उस असेसमेंट में एंड टू एंड बोर्ड के द्वारा असेसमेंट किया गया 2009 में, और उसे वसूला गया 2007 से लेकर 10 तक के असेसमेंट के लिए। मतलब 2007 से लेकर 2009 तक का जो टैक्स इन्होंने रिकवर किया है वो बढ़ी हुई दर से रिकवर किया। डबल दो बार इन्होंने एंड टू एंड बोर्ड ने टैक्स रिकवर किया। पहली बार तो 2007 में जो बिल भेजे उसका रिकवर कर लिया, और जब 2009 में बढ़ाया तो उसे फिर बढ़ी हुई दर से वसूल किया। तो इससे असंतुष्ट होकर 5-6 लोगों के द्वारा यहाँ पर पिटीशन धारा 93 कैंटोनमेंट एक्ट में दायर की गई थी, और उसके संदर्भ से माननीय एडीजे सेकंड महोदय श्री उद्धार साहब के द्वारा यह ऑर्डर किया गया कि भूतलक्षी प्रभाव, इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोला जाता है, जो पुराने पूर्ववर्ती प्रभाव से जो वसूली की गई है 2007 से 2009 तक की, वो पूरी तरीके से गलत है, और जो कर निर्धारण है उसके संबंध में पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाए। तो ये जो ऑर्डर किया गया था उसके विरुद्ध कैंटोनमेंट बोर्ड रिट पिटीशन में गई थी। रिट पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के एनके मोदी साहब के द्वारा ये ऑर्डर किया गया है कि ये जो धारा 79 कैंटोनमेंट एक्ट है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई भी वसूली उस जब आप असेसमेंट शुरू करते हैं, जैसे 2009 में शुरू किया, तो तब से ही वसूली की जा सकती है।